हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिससे आप यहाँ पे ट्रेड करके आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। पूरा कुछ आपको मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं एंड अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डिजिटल लर्निंग वायसर को ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा क्या रहता है, जो भी इंस्टेंट लूट आता है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, जो कि आपको इंस्टेंट प्रोवाइड करना जरूरी होता है। अगर वीडियो बनाते हैं तो डिले हो जाता है तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। एंड देख सकते हैं हमारे यूजर यहाँ पे कितनी ज्यादा यहाँ पे अर्निंग करते हैं, क्रिप्टो में भी अर्निंग करते हैं, पेटीएम कैश में भी अर्निंग करते हैं। सारे टाइप की लूट आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाती है सबसे पहले। तो हमारे चैनल को अगर आपने पिन नहीं कर रखा है तो पिन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे आपको प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करना है एंड कैसे आपको अर्निंग करनी है, कैसे आपको विड्रॉल करना है, कैसे साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करना है, सारा कुछ प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। देख सकते हैं इस इनकम आप इस एप्लीकेशन से, मतलब कि कहा जा सकता है इस प्लेटफॉर्म से आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप लिंक पे टैप करेंगे देन आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉग इन इंटरफेस दिख रहा है, लेकिन हमें किसी भी एप्लीकेशन में या फिर किसी भी साइट में यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्टर पर टैप करेंगे एंड टैप करने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी रहता है ईमेल आईडी दे दीजिएगा। रेफरल कोड वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो ईमेल आईडी पासवर्ड एंड ये देखिए आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे रजिस्टर प्रोसेस को कम्प्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये सारा मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ एंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस को भी यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करने जाओगे आपको यहाँ पे बोलेगा आई एम नॉट अ रोबोट एंड आपको यहाँ पे कैप्चा वगैरह रिफिल करने को नहीं बोलेगा। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा खासा इसका इंटरफेस है एंड सारा जो भी बेसिक सा डिटेल होता है जिस भी एप्लीकेशन को होता है, जिस भी साइट का होता है कि क्या इसमें आपको फीचर्स फंक्शंस दिए गए, वो सारा कुछ सब टाइटल्स आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, आप इनको सबको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे करके आपको यहाँ पे दिखाया गया है रेफरल का क्या प्रोग्राम है एंड यहाँ पे कैसे इसका वर्क करता है, कैसे क्या ट्रेडिंग का टास्क है, क्या टाइमिंग है, कैसे आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए बता रहा था कि आप यहाँ पे ऐप स्टोर और एंड्रॉइड दोनों के लिए एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फंडा अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थ्री लाइनिंग दिया गया है, थ्री लाइनिंग देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको माय वॉलेट है, चैन पासवर्ड है, गूगल ऑथेंटिकेटर है एंड सब कुछ, हेल्प सेंटर लॉग आउट वगैरह सारा कुछ फीचर्स आपको यही से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा मेन टू मेन फंक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल माय वॉलेट। ठीक है, जिसे माय वॉलेट पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो आप इसमें डिपॉजिट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कैसे प्रॉफिट को बुक करना है, कैसे आपको विड्रॉल करना है एंड किस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेडिंग चलती है, सारा कुछ आपको यहाँ पे लाइव बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है, तो ये चार्ट तो है यहाँ पे अपना डिपॉजिट का एंड ये है अपना यहाँ पे विड्रॉल का। एंड विड्रॉल किस में ले सकते हैं वो लास्ट तक बताऊंगा एंड लाइव विड्रॉल करके लाइव बायनांस में आपको लेके भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे जी जो कि आप इस वाले गोगो बिट पे सेक्शन पे टैप कर लेते हैं एंड टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का चार्ट देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ पे जो भी इसकी लाइव प्राइस यहाँ पे चल रही है BTC USDT की, ये सेम यहाँ पे बायनांस पे जो चल रही है उसी की चल रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ अपने बायनांस को यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर ले कि यहाँ पे कंपैरिजन हमें क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं BTC USDT एंड यहाँ पे लाइव प्राइस हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो हमें एक बार चेकआउट भी तो करना होगा ना कि हमारी जो प्राइस यहाँ पे बायनांस पे वो है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बायनांस में अभी हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं $27,000 एंड $88 जो भी इसको मान के चलिए। अगर हम बायनांस में जाएंगे तो यहाँ से हो सकता है कि चेंज हो जाए, बिकॉज आपको पता ही पल पल में प्राइस चेंज होती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम प्राइस यहाँ पे भी चल रही है $27,082। ठीक है, और यहाँ पे आप चेकआउट भी कर सकते हैं एंड अगर आप यहाँ पे वापस आके चेक करेंगे तो वही प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लाइव प्राइस यहाँ पे चल रही है एंड यहाँ पे चेंज भी होती रहेगी बिकॉज अप डाउन होता रहता है। एंड आपको इसमें कैसे ट्रेड लेना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे गोगो बिट पे, देन इन्वेस्ट पर टैप करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे दिया जाएगा जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं ऑड एंड इवन एंड यहाँ पे जो भी नंबर्स आपका आता है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बनेगा, जो भी आपके यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह कह सकते बनेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना भी आपको करना हो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिया गया उस नंबर के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं 1, 5, 10 जो भी आपको यहाँ पे करना है सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं इवन पे तो इवन पे टैप करके भी आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। ठीक है,
एंड अमाउंट के लिए आपको यहाँ पे अमाउंट भी चाहिए होगा, ठीक है, मतलब प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर ट्रेड लेने के लिए आपको यहाँ पे अमाउंट की भी जरूरत होने वाली है। एंड आपको ये बता दे तो ट्रेड आपको यहाँ पे 25 सेकंड पहले लेना है, जो कि आपको यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं वॉलेट वाले सेक्शन में आ चुका हूँ, यहाँ पे आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल है। विड्रॉल तो तब आप कर पाओगे जब आप प्रॉफिट को बुक कर पाओगे, तो इससे पहले आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं मिनिमम डिपॉजिट का यहाँ पे वैल्यू आपको $5 करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट मेथड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट पे से भी कर सकते हैं एंड USDT से भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको सारी चीज फुली एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी आपके लिए बाकी नहीं रखता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टिप्स 10% ऑफ द रिचार्ज अमाउंट विल बी गिवन, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट रिचार्ज, ठीक है। तो ऐसा करने पे मतलब कि 10% आपको यहाँ पे रिचार्ज करने पे यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। लाइक मान लीजिए अगर यहाँ पे आप $50 डिपॉजिट करते हैं तो आपका $55 आपका यहाँ पे डिपॉजिट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिपॉजिट किया तो यहाँ पे मेरा $15 यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली डिपॉजिट कर लिया, अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करेंगे जैसे 5 एंड देन पे नाउ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से लोडिंग ले लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग पेमेंट मेथड लाइक BEP20 या TRC20। तो लाइक यहाँ पे BEP20 करेंगे तो BEP20 पे टैप करेंगे एंड TRC20 पे टैप करेंगे तो इस पर टैप करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड डिपेंड करने के बाद यहाँ पे आप पे नाउ पे टैप करेंगे एंड पे नाउ पे टैप करने के बाद यहाँ पे कंडीशन देखिए, प्लीज कंप्लीट द पेमेंट विद इन 59. यहाँ पे जो भी सेकंड चल रहा है, इसका मीन्स हम क्या चलेंगे, एक घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पे जो भी डिपॉजिट वो आपको करना होगा। वी ओनली सपोर्ट TRC20 USDT एंड BEP20। आपको ध्यान रखना है जो भी आप नेटवर्क रख रहे हैं वो TRC20 होना चाहिए या फिर आपका BEP20 होना चाहिए, इन दोनों के अलावा होगा तो आपका यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा। डोंट सेव पेमेंट QR और वॉलेट एड्रेस, इट कैन ओनली बी पेड वंस, ठीक है, एक ही बार आपको करना है बिकॉज एक घंटे के अंदर ये चेंज हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू कीप द ऑर्डर अमाउंट कंसिस्टेंटली, आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे अमाउंट है आपको रिसीव हो जाएगा, आपको अच्छे से कर लेना है। एंड अगर आपका रिसीव नहीं होता है तो आपकी कोई गलती होगी बिकॉज आपको एड्रेस से सही से मिला लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओनली सेंड TRC20 एड्रेस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे TRC20 का किया इसलिए हमें यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो एड्रेस पर टैप करेंगे तो डायरेक्ट एड्रेस कॉपी हो जाएगा या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे स्कैनर पे भी पे कर सकते हैं। तो चलिए आप मेरे एक बार बाइनेंस को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद वॉलेट वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। आपके पास यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फंडिंग में अमाउंट पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। आपको जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए मैं सारा कुछ डिटेल बता रहा हूँ, जो भी करना अपने ऊपर करना बिकॉज 50-50 चांसेस रहता है प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे USDT आ चुका है, USDT पर टैप करेंगे, विड्रॉल पर टैप करेंगे, सेंड विया क्रिप्टो पर टैप करेंगे एंड यहाँ पे जो भी एड्रेस है तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। नेटवर्क की बात आती है यही पे आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, EOS नियर वगैरह करके खूब दिखेगा ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, TRC20 है तो TRC20 कर लेना है एंड या फिर आप चाहो तो यहाँ पे BEP20 कर सकते हैं। आप यहाँ पे BEP20 कर लीजिएगा अगर आप डिपॉजिट करते हैं बिकॉज यहाँ पे $0.29 की ही फीस लग रही है एंड TRC से करेंगे तो $1 की फीस लग जाएगी। तो आप यहाँ पे BEP20 वाला सेलेक्ट करके कीजिएगा, ठीक है। अभी तो हमारा एड्रेस यहाँ पे TRC20, तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा, बाकी आप वहाँ पे जाके एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रांसफर करना चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पे 10 हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से भी यहाँ पे विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैं ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता हूँ, पहले आप क्या कीजिएगा, बायनान्स से जो भी USDT होता है आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं एंड ट्रस्ट वॉलेट से BEP20 यहाँ पे टैप करके सेंड पे टैप करके एड्रेस डाल के आप यहाँ पे डायरेक्टली टैप कर सकते हैं 5 USDT एंड कंटिन्यू करके आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया कि कैसे आपको डिपॉजिट करना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको डिपॉजिट जैसे हो जाएगा, ये इस टाइमिंग से पहले पहले आपको कर लेना है, आपका इजिली यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे टैप करना है आप इससे कीजिएगा। अगर आपको डिपॉजिट करना है BEP20 पे टैप करके आपको यहाँ पे पे नाउ पे टैप करके देन आपको यहाँ पे देख सकते हैं BEP20 का यहाँ पे एड्रेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बायनान्स में बता दिया कि कैसे आपको डिपॉजिट करना है। तो इतना सब कुछ तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी कुछ चीजें जो कि मैं आपको बता देता हूँ, 4th नंबर सेक्शन पे आपको यहाँ पे बोनस का सेक्शन दिया गया है, देख सकते हैं इनवाइट फ्रेंड एंड अर्न अप टू 5050 USDT, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, देख सकते हैं कंप्लीट टास्क टू अर्न यहाँ पे 5050 USDT। अब आपको ये कैसे दिया जा रहा है, इसका कोई ना कोई तो यहाँ पे रूल होगा तभी आपको दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या दिखाया जा रहा है, डेली रेफरल रिवॉर्ड एंड डिटेल रूल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 15%, 50%, 100%, 250% एंड 500%, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर जितना आप रेफरल करोगे, $1, $3, $5, $10 एंड $30 एंड टोटल $49 यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। एंड देख सकते हैं इनविटेशन बोनस अप टू यहाँ पे $559 तक आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट
एनी वैलिड इनविटेशन एंड रिसीव एन इनविटेशन बोनस एवरेज वैल्यू 5.59 USDT. द मैक्सिमम बोनस ऑफ 100, यहाँ पे देख सकते हैं 100 इनवाइट इज 5.59 USDT. ठीक है, इतना करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग बोनस का भी यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये वाला आप चेक कर सकते हैं कि माय रेफरेंस हिस्ट्री में आपको क्या सो रहा है, वैलिड इनवाइटी जो भी है उन्होंने जो भी ट्रेड वॉल्यूम कम्प्लीट किया है, एंड यहाँ पे जो भी प्रोसेस किया उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड रेफर लिंक आपको यहाँ पे डायरेक्टली टैप करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, रेफर कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डायरेक्ट शेयर पे टैप करके भी आप यहाँ पे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू शेयर वगैरह कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सेकंड नंबर सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंडिंग में आपको यहाँ पे नंबर वगैरह आपको यहाँ पे चार्ट वगैरह शो हो जाएगा। यहाँ पे जो भी फीचर्स आपको ऑड एंड इवन के दिए गए, बिगिन स्मॉल के दिए गए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, बाकी मेन सी बेसिक सी डिटेल है जो कि मैंने आपको समझा दी। ठीक है, यहाँ पे आपको 25 सेकंड पहले आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, एंड आपको यहाँ पे टाइमिंग वगैरह यहाँ पे चलता है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, एंड जो भी आप ट्रेड लेंगे उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो हो जाएगी जहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस अप डाउन होती रहती है, ये मार्केट के ऊपर है। आप यहाँ पे 50-50 चांसेस में एक बार प्रॉफिट होगा तो हो सकता है कि, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही हो, तो जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है। बाकी जो लाइव प्राइस है बायनांस के अकॉर्डिंग है BTC की, मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है। ठीक है, अभी अवेलेबल बैलेंस मेरे यहाँ पे $15 पड़ा है, एंड मेन चीज आती है विड्रॉल की, वो नहीं बताऊंगा तब तक आपको यहाँ पे क्या ही समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे डिटेल है विड्रॉल पे टैप करना है, एंड टैप करने के बाद विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए, तो $5 होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल विड्रॉल बैलेंस में मुझे यहाँ पे बता रहा है, एंड सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल फी फॉर अंडर $20 इज $1 विड्रॉल फी। ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपको यहाँ पे $1 का फीस लगने वाला है, एंड अगर अबव रहता है तो आपको यहाँ पे 3% लगने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करने का आया है कि कैसा आया है, BNB स्मार्ट चेन BEP20। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं बाइनेंस को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपल हम कहाँ जाएंगे, वॉलेट वाले सेक्शन में एंड डिपॉजिट वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम सर्च करेंगे USDT, एंड USDT सर्च करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं बाइनेंस BEP20 जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर टैप करने के बाद ओके पे टैप करेंगे, एंड वॉलेट एड्रेस को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉलेट एड्रेस में यहाँ पे डालेंगे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज बिन योर गूगल ऑथेंटिकेटर, तो हमें यहाँ पे टैप करना होगा और ऑथेंटिकेटर को ऐड करना होगा। तो जैसे हमने टैप किया गूगल ऑथेंटिकेटर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको शो करवा दूंगा, देख सकते हैं ऑथेंटिकेटर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे ऐप स्टोर के लिए भी अवेलेबल है और यहाँ पे प्ले स्टोर के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे प्ले स्टोर पे टैप करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे, इस टाइप से आपको यहाँ पे दिख जाता है, और अगर आपको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी तो समझ लीजिएगा गूगल ऑथेंटिकेटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करने देता है, लेकिन जहां मैं आपको ब्रश लगाता हूँ ब्रश लगा के आपको बता दूंगा, एंड जो बोलूंगा उसके ऊपर ध्यान देना, ब्रश के ऊपर ध्यान देना, जो भी ब्रश लगा के इंडिकेट कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं रहने वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, एंड आने के बाद हमें यहाँ पे की वगैरह तो लेनी होगी, तो आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का सेक्शन है, इस पर टैप कीजिएगा। ये जो आपको की देखने को मिल रही है इस की को कॉपी कर लेना है, आपको अपने अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी देखो अगर आपको ब्लैक देख रहा है तो यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ, जहाँ इंडिकेट करो वहाँ पे आपको एक प्लस का सेक्शन देखने को मिलेगा। देखने को मिलने के बाद आपको यहाँ पे बताएगा स्कैन QR कोड या एंटर सेटअप की, तो QR कोड भी था स्कैन कर सकते हैं। बाकी एंटर सेटअप की पे टैप करते हो, टैप करने के बाद अकाउंट नेम में मैं यहाँ पे गोगो बीट लिख देता हूँ जो भी है, एंड यहाँ पे की में की डाल देता हूँ, ऐड पे टैप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरा OTP आ चुका है। एंड आने के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड में OTP को डाल देना है, देन आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर आपको यहाँ पे सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर को बाइंड कर सकते हैं। एंड अब आपको विड्रॉल पे टैप करना है, टैप करने के बाद वॉलेट एड्रेस को अगेन आपको बायनांस से कॉपी करना है। देखो मैंने आपको सारी चीजें एक एक डिटेल में बताई है, एंड आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, एंड अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप हमें टेलीग्राम पे पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखो वॉलेट एड्रेस डालने को बोल रहा है, वॉलेट एड्रेस हमने डाल दिया पीछे 96 है, एक बार अगेन मिला लेते हैं वॉलेट एड्रेस 96 एंड BEP20, बिकॉज इसमें हमें विड्रॉल मिलने वाला है। ठीक है, अब एक ही बार ऐड होगा, देखो हमें यहाँ पे ज्यादा बैक आ चुके हैं, अगेन हम यहाँ पे वॉलेट पे टैप करके विड्रॉल पे टैप करके एड्रेस को हम यहाँ पे एक बार बाइंड कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे टैप करने के बाद पेस्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे ऐड का सेक्शन है, ऐड मतलब यहाँ पे टोटली ऐड हो चुका है सक्सेसफुली, एंड देख सकते हैं विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे मिनिमम $5 है, हम यहाँ पे क्या करने वाले $15 हमारा यहाँ पे विड्रॉल है, एंड देख सकते हैं हमारे यहाँ पे $1 का चार्ज कट जाएगा, एंड $14 हमें यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज कंफर्म द विड्रॉल एड्रेस, तो क्या हमारा यही है विड्रॉल एड्रेस, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंफर्म पे टैप करते हैं, एंड जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं विड्रॉल की, विड्रॉल का प्रूफ भी लाके मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए जस्ट यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अमाउंट में यहाँ सिंपल सा $15 डाल देता हूँ, $15 यहाँ पे मेरे पास पड़ा है,
विड्रॉल पर टैप करने के बाद कंफर्म कर देता हूँ, विड्रॉल सक्सेसफुली यहाँ पे दिख रहा है, वेटिंग करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इस पर टैप कर लेता हूँ, टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा $15 लग चुका है। लेकिन हमने यहाँ पे विड्रॉल लगा लिया, लेकिन जब तक मैं आपको यहाँ पे बायनांस में ला के नहीं दिखाऊंगा तब तक आप यहाँ पे यकीन कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने बायनांस के अकाउंट में, सिंपल हम बायनांस को ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले हम अपनी स्पोर्ट के वॉलेट को देखेंगे, हमारे पास USDT कितना पड़ा है, हमारे पास $0.44 ओनली फोर पड़ा है। टैप करेंगे, टैप करने के बाद हम यहाँ पे डिपॉजिट पे टैप करेंगे, BEP20 पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे हिस्ट्री पे एक बार चेकआउट करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे तो अभी तो मुझे यहाँ पे कोई हिस्ट्री शो नहीं हो रहा है, बिकॉज कहीं से भी आप विड्रॉ लगाते हैं तो उनका यहाँ पे बायनांस में कंफर्मेशन होने में 2 to 5 मिनट यहाँ पे मिनिमम टाइमिंग आपका इतना यहाँ पे लगता ही लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेट कर लेते हैं, अपना वेट करने में कुछ नहीं जाता है, मैं आप पे वेट कर लेता हूँ। तब तक मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक कर दो, एंड अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए एंड आप यहाँ पे डेली बाय डेली अर्निंग भी कर पाए। एंड जैसे कि दोस्तों आप देख सकते, जो मैंने यहाँ पे $15 का विड्रॉ लगाया था, यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, जस्ट यहाँ पे देख सकते कितना है, 3 से 4 मिनट के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने यहाँ पे बायनांस को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वॉलेट वाले सेक्शन में जाते हैं एंड यहाँ पे मेरे पास कितना INR यहाँ पे पड़ा था, सॉरी यहाँ पे USDT कितना पड़ा था, यहाँ पे देख सकते हैं USDT पे टैप करेंगे एंड टैप करने के बाद $0.44 ओनली फोर मेरे बायनांस में पड़ा था एंड $14 मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है, बिकॉज $1 का हमारा यहाँ पे फीस कटा था। पेमेंट प्रूफ आप यहाँ पे इंस्टेंट देख सकते हैं, रिसीव हो चुका है। अगर आपको डेट एंड टाइम मिलाना है तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम भी मिला सकते हैं। आज की डेट है 20 तारीख एंड 9 मंथ सेप्टेम्बर चला है 2023 एंड यहाँ पे देखते 12:51 पे ही हमें यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म में काम करके इजीली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दिया, कैसे आपको यहाँ पे लाइव चलता है, कैसे आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, ट्रेड लेना है, कैसे आपको यहाँ पे बोनस वगैरह यहाँ पे रेफरल कर दिया जाएगा, कैसे डिपॉजिट किया जाता है, कैसे विड्रॉल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन एंड सारी लूट आप लूट पाए, किसी भी लूट को आप मिस ना कर पाए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड रहिएगा।